मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है इन लोगों से। एक साल से लोग परेशान हैं, मैं उनके लिए कार नहीं करा रही, अपनी सूची दे करके कार कराते हैं ये लोग। मैं भाजपा के सभी लोगों से, संगठन से ये निवेदन करती हूँ कि मुझे या तो 15 दिन के अंदर इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मिला तो मैं सुसाइड करूँगी। और इसके जिम्मेदार ठाकुर छर्रा विधायक रविंद्र पाल सिंह, ठाकुर तेजवीर सिंह सपा पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, तो मारने की धमकी देते हैं। मैं अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ अब तो। सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक दलित समाज की लड़की हूँ, क्षेत्र में कार्य नहीं हो पा रहा है, ये लोग मुझ पर दबाव डालते हैं, मुझसे कमीशन मांगते हैं, मैंने साफ इनको देने से मना कर दिया। ठाकुर रविंद्र पाल सिंह और पूर्व ब्लॉक प्रमुख तेजवीर सिंह, ये मेरे वित्तीय कार्य, मैंने कमीशन, मैं एक गरीब परिवार किसान की बेटी हूँ, मजदूर किसान की बेटी हूँ, तो इन्होंने मना कर दिया। फिर इन्होंने ये आपत्ति जताई कि इनके वित्तीय कार्यों में बाधा डाली जाए। फिर इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने हमारे वित्तीय कार्यों में बाधा डालना शुरू कर दिया, कार्य नहीं हो पा रहे। एक साल हो गई, एक साल से ये मुझे कोई कार्य नहीं करने दे रहे। रीज़न क्या है? रीज़न है कि ये कमीशन मांग रहे हैं, पंचायतों में कोई काम ही नहीं होने दे रहे, लोग परेशान हैं। जब भी मैं टेंडर प्रक्रिया निकालती हूँ, दो साल से पहले एक भी कार्य ब्लॉक प्रमुख का नहीं था। मैंने कई बार मतलब किया, बैटरी पास हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो निरस्त करा देते हैं, उसको रास्ता ही चेंज करा देते हैं सब कुछ। हम कहते हैं इनसे वो, और वो निरस्त करा देते हैं। अभी तक 3 साल हो गए, 3 साल के वर्ष काल में अभी तक कोई कार्य नहीं मिला। अभी तक 3 साल में एक भी काम नहीं मिला। अभी तक ब्लॉक में आपके सौजन्य से कोई काम नहीं हुआ? मेरे ब्लॉक में कार्य हुए हैं, वो माननीय ठाकुर रविंद्र पाल सिंह छर्रा विधायक जी के द्वारा और ठाकुर तेजवीर सिंह के द्वारा ही हुए हैं। वो अपनी सूची बना करके मुझे दे देते थे और हमारे विकास खंड अधिकारी दबाव डाल करके वो अपने ही कार्य को कराते थे। जो मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान भाई हैं, उनका कोई कार्य नहीं हो पाया। सारा काम यह है कि उन्हीं के ठेकेदार काम करें, उन्हीं के वो दलाली लें और कार्य क्षेत्र में अच्छी तरह से ना हो। तो क्या मैडम आप अशिक्षित हैं जो इतनी कमजोर महसूस करते हैं? मैं अशिक्षित नहीं हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैंने BSc BEd MA अर्थशास्त्र से किया हुआ है, परीक्षाएं टेट CTET क्वालिफाई भी कर रखी हैं, अन्य परीक्षाएं भी दी हैं। उनका कहना है, मानना है कि मतलब मैं अगर अशिक्षित होती तो शायद चुपचाप बैठती, वो जैसे चाहते मैं उनके तरीके से तो काम करती रहती। ये 3 साल बाद क्यों याद आया आपको, ऐसा क्या हुआ 3 साल बाद? 3 साल से लगातार मैंने जिला अधिकारी, CDO मैडम, सबको सूचित करती रही, लेकिन यही जो अब हो रहा है यही पहले से होता आया है। बिल्कुल, वो बिल्कुल मुझे अपने, वो चाहते हैं कि बस वो टेंडर मुझे दे दें, मुझ पर तो अंगूठा लगवा लें, जैसे कि मैं अशिक्षित हूँ, कुछ जानती नहीं हूँ, उनके तरीके से मैं कार्य करूँ, और मैं ऐसा करना नहीं चाहती। उनके ठेकेदार बेहतर नहीं है, उनकी तो बहुत सारी शिकायतें हैं, ये इसी का सिर्फ कहना है। मैंने उनको इसीलिए आपके कार्य, उनके ठेकेदार, अगर उनके ठेकेदारों की शिकायतें हैं, अनियमितता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो क्या आपने लिख कर दिया कि इनको ब्लैकलिस्टेड किया जाए? बिल्कुल दिया है। कहाँ है वो? वो मैं लेकर नहीं आई आपको। कितने ठेकेदारों को आपने ब्लैकलिस्टेड करने के लिए लिखा है? ब्लैकलिस्टेड करने के लिए 2 फर्में हैं अभी जो मेरे यहाँ कार्य कर रही हैं, ठाकुर तेजवीर सिंह उदयपाल की फर्म है, और जबरदस्ती मैंने लेटर दे करके उनसे काम शुरू करवाया, काम भी शुरू नहीं कर रहे थे। एक साल से हमारे अमृत सरोवरों पर काम चल रहा है, उनका तो साफ उद्देश्य है कि हम इस ब्लॉक प्रमुख को हटा करके किसी अशिक्षित व्यक्ति को बिठा करके अपना मोहरा बना करके ऐसे ही कार्य कराते रहे। तो ये भी हो सकता है क्योंकि 2.5 साल का पीरियड होता है। मुझे तो मारने की धमकी देते हैं, मैं अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ अब तो। यही देते हैं ठाकुर रविंद्र पाल सिंह, तेजवीर सिंह, उनके ठेकेदार हैं मुकेश सिंह, वो कहते हैं आप कौन होती हो, मुकेश ठेकेदार कहते हैं आप होती कौन है, आप माननीय ठाकुर रविंद्र पाल जैसे कहेंगे इस ब्लॉक में वैसे काम होगा क्या? मेरे साथ इसीलिए ऐसा हो रहा है कि मैं दलित समाज की बेटी हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, 10-15 बीघे खेत है, उसी को करते हैं, उसी में अपना गुजारा करते हैं। बहुत बड़ा चुनाव है, मैं मध्यम वर्ग से आती हूँ, ये चुनाव मुझे भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो जनप्रतिनिधि गए उन लोगों ने सहयोग किया, और क्षेत्र पंचायत के जितने भी सदस्य हैं मेरे, उन्होंने मुझे सहयोग किया, हम सभी ने सहयोग किया इनका, मुझे लड़ाया, ये खुद लड़ेंगे, हमने खुद सहयोग किया इनका। नहीं तो आप भाजपा के ब्लॉक प्रमुख हो, भाजपा के लोग ही आपका, भाजपा के लोग ही मेरा शोषण कर रहे हैं,
ये तो पहली बार हो रहा है। आपने, अगर आपने ये मेरी संगठन में बात उठाई, संगठन के लोगों को बताया, मैं आपके माध्यम से ये संगठन को बताना चाहती हूँ और उनसे ये कहना चाहती हूँ कि 15 दिन के अंदर अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो या तो मैं विकास भवन में या कलेक्ट्रेट में जाकर सुसाइड करूंगी। अमृत सरोवर हमारे ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया हुई थी, ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया में जिस फर्म जोड़ करती है इसकी भी मैं जांच कराऊंगी, इसको भी इन लोगों ने षड्यंत्र करके करवाया। तो यानी अब तक जितने भी आपके कार्य हुए हैं ब्लॉक में, आपके कार्यकाल में, उन सबकी जांच कराएंगी आप? बिल्कुल। और ठाकुर रविंद्र पाल सिंह की भी, जब एक इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक भाजपा का प्रत्याशी उसके साथ इतना बड़ा, आखिर इसके इतना गुस्सा और भावुकता के पीछे कारण क्या है? क्या ऐसी बात रही जो एकदम आप भड़क रही है? इतने वो चुनाव में आप साथ, सभी लोग साथ में घूम रहे थे और अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप एकदम आग बबूला हो रही थी? इसका मैसेज मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं को जिले पर पहुंचा दिया है, उनसे मैंने आग्रह किया है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। इंसाफ नहीं होने की वजह क्या है? इंसाफ नहीं होने की वजह तो कोई भी नहीं है, अधिकारी नहीं सुन रहे। सीडीओ मैडम को मैंने लेटर दिया बिना जांच किए, देखिए आप ये कार्य देखिए, बिना जांच किए जो है इन लोगों ने लेटर लगा के टेंडर प्रक्रिया को कैंसिल कराया था, जबकि पूर्ण पारदर्शिता बरती गई थी। आप तो अभी विधायक पर आरोप लगा रही थी, अब सीडीओ पर सत्ता का दबाव कह सकते हैं इसको, मतलब अधिकारी और जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तो आप भी तो जनप्रतिनिधि हैं? मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनता के हित में कार्य करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे कोई करने ही नहीं दे रहा। ब्लॉक प्रमुख हैं तो हाँ, ये दलित होने के नाते ही आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है क्या? जी 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 बिल्कुल, मैं दलित हूँ इसीलिए मेरा उत्पीड़न हो रहा है। तो आप कमीशन में गई है, SC/ST कमीशन में गई इसके इनके खिलाफ? जी नहीं, अभी नहीं गई। जाएंगी क्या? अगर ये अपना अत्याचार नहीं रोकेंगे तो मैं जाऊंगी। यानी मैडम कुल मिलाकर आपका आरोप ये है कि ठाकुर रविंद्र पाल सिंह विधायक छत्र और ठाकुर ये आपको कार्य करने नहीं देते, सारे काम में कमीशन मांग, सारे काम में कमीशन मांगते हैं इसीलिए तो वो कार्य नहीं करने दे रहे हैं और मैं उनको दे नहीं पा रही। भाई मैं गरीब किसान की बेटी हूँ,